संगीत रचना से करते हैं। विनय पत्रिका का एक पद है जिसमें भगवान शंकर की स्तुति की है। भगवान शंकर जो त्रिभुवन गुरु कहलाते हैं, जो अपनी कृपा मात्र से समस्त जीवों का कष्ट हरण कर लेते हैं, चाहे वो हराहल विष के उत्पन्न होने से जो संसार में ताप बढ़ गया था उसे दूर करना हो, चाहे वो त्रिपुरासुर का अंत करना हो, चाहे उनकी कृपा नन्हे नन्हे जीव पर भी हो जो काशी में मरने वाले प्रत्येक कीड़े मकौड़े को भी प्राप्त हो जाती है। वो गति जो देवताओं को मुनियों को भी दुर्लभ है वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर छोड़कर हम किससे मांगे, किससे याचना करें। मुझे पिताश्री की ये संगीत पद रचना प्रस्तुत कर रहे हैं, स्वीकार कीजिए। गुरु पूर्णिमा के बंधन के रूप में स्वीकार कीजिए।
प्रसन्न कर लीजिए। इन त्रिभुवन गुरु को, श्री महाकाल को प्रसन्न कर लीजिए। और तिब्बत के आचार्य है, इनसे अगर जीवन में कुछ मांगना है तो श्री राम चरणों की भक्ति मांगी, श्री राम चरणों प्रति प्रतिक्रम मांगी। आइए हम सब मिलकर भगवान शंकर से
वो जीवन में इतनी विषमताएं आ गई है कि सरलता जीवन से बिल्कुल गायब हो गई है। जो प्रभु को पसंद है न जीवन में निश्चलता निर्मलता निर्मल मन सोमोई भाव और न भावभक्ति। लेकिन एक बात है, संसार में जिसे सब ठुकरा दे, जिसे कोई स्वीकार न करे, इस दर पर आ जाता है तो स्वीकार कर देता है। इसीलिए प्रभु आपकी शिक्षा इसी भाव का के जीवन में भाव भक्ति नहीं है। आपसे निवेदन I'm not afraid.
बहुत आवश्यकता है सरल प्रीति। सरल जैसा शब्द है ना भाइयों, इसमें कोई मात्रा नहीं है सरल, लेकिन उतना ही कठिन है वो, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे सभी सरल भक्त प्रेमी अनुरागी और हमें पसंद करने वाले श्रोतागण वो लगातार अपनी फरमाइशें भी भेज रहे हैं, हमें अपना अनुमोदन भी भेज रहे हैं। आवाज़ ठीक है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी अनुमोदन हमें मिल रहे हैं उन सभी को हम आज गुरु पूर्णिमा की सप्रेम राम राम कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, सभी को शुभकामनाएं देते हैं और आपकी सेवा में एक भजन और प्रस्तुत करते हैं, फिर आपसे बीच में बात होगी। राम जी की भक्ति मन में आए उसके लिए अपने मन को हरा बगीचा तो बनाइए, तभी तो सरकार आएंगे वहां है, उस उपवन में हमारे जीवन में एक आलोकित रोशनी लेकर अवतरित हो, नाम यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, वो कब आएंगे ये
ज्योतिर्गमय, वो इसकी आज परम आवश्यकता हो रही है। प्रभु कृपा करें, दया करें अपने समाज पर, अपने देश पर जो विपदा आई है। तमसो मा ज्योतिर्गमय याद दिलाया है बंधुवर ने, अब भूलने की आदत हो गई क्या। 1980 के लगभग का है ये गाना, रिकॉर्ड हुआ है मेरे मन कुपवन में, ये है 1975 का। जो आज बच्चे सुन रहे हैं वो पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन फिर भी प्रभु ने कृपा की है, उसे गाने की गाने का प्रयास कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपका उत्साह इतना आ रहा है। शिवम शर्मा है, मेघा शर्मा, मनु स्वामी, दीपा, शुभ्रा शर्मा, मुग्धा शर्मा, नाम तो कहाँ तक लोग, आरती शर्मा, कनक शर्मा, आशमी, मनीष, मनीष है क्या, महेंद्र
सिंघाड़ी पिपलिया बहुत सुंदर कह रहे हैं। और धन्यवाद आपका सभी का जो अनुमोदन हमें फटाफट मिल रहे हैं और हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। इस आयु में भी हम आपकी सेवा करने में समर्थ हों, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसा शुभ संदेश हमें प्रदान कीजिएगा जिससे हम और बलपूर्वक आपकी ये राम नाम सेवा करते रहें, करते रहें। हस्तक्षेप कम हो गया ना, प्रकृति प्रसन्न है। और अगर हम नजदीक जाकर देखें ना तो आपको प्रकृति गुनगुनाती हुई नजर आएगी, सुनाई देगी। जाइए, इस समय वर्षा हो रही है तो वो बूंदे जो पड़ रही है उससे जो संगीत वायु चल रही है पेड़ों के पत्तों के बीच में से निकल कर ये संगीत है जो प्रकृति अपने उस प्रीतम के लिए गा रही है। निरंतर हमने सुनना छोड़ दिया है, जरा सुनिए तो सही, नजदीक बताइए, आपका मन भी कह उठेगा, गा उठेगा, गा उठेगा।
सुनने में तो ऐसा ही आया है, पूरे भारतवर्ष का ही ऐसा मौसम हो रहा है। तो गुनगुनाइए, राम जी को गुनगुनाइए खूब प्रेम से। आपके हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं। आ गए भाई, राजेश राठौर, विवेक शर्मा, मेघा शर्मा, अंजलि शर्मा, उर्मिला शर्मा, अर्चना शर्मा, हम तो साथ में गा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। क्या बात है, खूब गाओ। मनु स्वामी, आप सभी का आभार और अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। जय राम जी की, जय इंद्र रावण ने भी भेजा है। कमलेश मिश्रा, जय श्री राम। अभिलाष नरवाद, जय सिया राम, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुधा शर्मा, राम जय जय राम, जय जय राम। सबकी अपनी अपनी फरमाइशें हैं, खूब कर रहे हैं सब। और हम भी जो हमारे मन को अच्छा लगता है वो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो फरमाइश है, जो आग्रह है, वो भी पूरे करें और कुछ नया सुनाते रहें जिस पर हमारा मन टिक जाता है और हमें ऐसा लगता है कि वो आपको भी अच्छा लगेगा। तो सुनिए एक भजन और आपकी सेवा में। कथा प्रसंगा
सेवा में कितना है, कितने आग्रह आ रहे हैं। बात यह है
कि आपके प्यार ने इस भजन को श्री राम दरबार का शर्मा नेशनल एंथम बना दिया है। ये गाय बिना है जो वो हमारा श्री राम दरबार का अधिवेशन पूरा नहीं होता है, इसलिए आइए गाइए एक बार। सतीश जोशी, सचिन शर्मा, रवि शुक्ला, किरण शर्मा आए चले जा रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। आपकी ओर से आप सबकी एक फरमाइश है, इस सूरज की गर्मी हम जरूर सवाल एक सूचना आपको और दे रहे हैं। हम बहुत ध्यान से सुने, यूट्यूब चैनल जो है शर्मा बंधु का, उस पर कल से सोमवार का सावन का प्रथम सोमवार है, कल से आप भगवान शंकर के मुख से श्री राम कथा देखना प्रारंभ कीजिए। पहला एपिसोड कल आ जाएगा, इसके हम आपको बधाई भी देते हैं और आग्रह भी करते हैं कि इसको जरूर सुनिए, जरूर देखिए। आशीर्वाद ले रहे हैं, इसमें घर के भी बड़े लोग हैं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे गुरुदेव वो भी कृपा कर रहे हैं, जिन्होंने अक्षर ज्ञान दिया वो माता पिता भी कृपा कर रहे हैं, जिन्होंने मंत्र दीक्षा दी वो भी कृपा कर रहे हैं। ऋषियों मुनियों की इस परंपरा को, इस गुरु परंपरा को आप भी निभाते रहिए, जीवन में सदा आनंद रहेगा, सदा आनंद रहेगा। और हमें इसी तरह से अपना समर्थन दीजिए जिससे हम और उत्साह के साथ आपकी ये राम नाम सेवा कर सकें।